subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. दोस्तों मैं काजल ढूंढने भाग्य के महा एपिसोड की पूरी डिटेल देने वाली हूँ जहाँ शो का हाल ही में महा एपिसोड आने वाला है दशहरा स्पेशल। जी हाँ, ये तो आप जानते हैं, जब भी कुंडली भाग्य का कोई महा ड्रामा होगा या फिर बहुत बड़ा खुलासा होगा या फिर किसी की जिंदगी सामने आएगी उसके लिए दिखाया जाता है महा एपिसोड। यहाँ पर महेश की रिकवरी होने वाली है, महेश अब कोमा से बाहर आने वाला है। एक तरफ महेश की रिकवरी होगी तो दूसरी तरफ करण और प्रीता विजय करेंगे इस आतंकवादी रावण से, जहाँ पर ये लोग लड़ रहे हैं इन सभी आतंकवादियों से, क्योंकि गेस्ट सभी डर चुके हैं लेकिन करण और प्रीता नहीं डरे हुए। उन्होंने अभी तक हिम्मत बांधी हुई है और अपनी हिम्मत बांध कर चल भी रहे हैं। जहाँ प्रीता वार्निंग देते हुए कह देती है इन गुंडों को कि अब बहुत हो चुका है तुम्हारा, अब पुलिस आएगी और तुम लोगों को गिरफ्तार कर लेगी, जिस वजह से ये गुंडे बहुत ज्यादा बौखला जाएंगे और अब करण और प्रीता दोनों की जिंदगी मुसीबत में आने वाली है, क्योंकि प्रीता की वजह से करण भी लड़ने वाला है इन गुंडों से, क्योंकि अब ऐसा कुछ होने वाला है कि प्रीता पर उंगली उठेगी तो उन उंगलियों को काट बैठेगा करण, हमेशा ऐसा ही तो करता है। अभी हालांकि करण अपने प्यार को इजहार नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो प्यार को नफरत में तब्दील कर चुका है, लेकिन आने वाले ट्रैक के दौरान आपको देखने को मिल ही जाएगा जब महेश आ जाएगा कोमा से बाहर, महेश से मिलने के लिए पहुंच जाएंगे सभी लोग, यहाँ तक कि प्रीता भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है कि प्रीता को आशीर्वाद मिलने वाला है, जिस आशीर्वाद के साथ करण और प्रीता दोनों ही इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि महेश का आशीर्वाद सदा सुहावन का होगा प्रीता के लिए। तो आगे क्या देखने को मिलेगा, क्या इस महा एपिसोड में महेश खोल देगा शर्लिन की भी पोल और शर्लिन का हो जाएगा पत्ता साफ, क्या फिर करण फिर से गलत फहमियों की दीवार को और ज्यादा बड़ा कर देगा और प्रीता को अपनी जिंदगी से बेदखल कर देगा। आगे के अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.